तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 4G हरियाणा पर। आप 4G हरियाणा पर आए दिन जो है हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से आप देखते हैं लव मैरिज की बात हो या फिर लव रिलेशन की हो, हर एक तरह का मुद्दा आप हमारे 4G चैनल पर देखते हैं। तो आज बात करेंगे भाई एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसे आप सुनकर के भाई आपके हौसले जो है बिल्कुल आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो बातें आपने फिल्मों में देखी है क्या ऐसा रियलिटी में भी हो सकता है। हाँ भाई, एक ऐसी ही घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, बात करेंगे 130 किलो नमक की, उस बाजरे के खेत की और उसमें गड़ी उस लाश की। बात है कुछ दिन पहले की, जो है उत्तर प्रदेश में एक केस देखने को सामने आया। एक दिनेश नाम का शख्स होता है भाई और उसकी पत्नी का नाम होता है अंजू। उन दोनों में इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि दिनेश उस पर बहुत ज्यादा शक करता है भाई। शक बहुत ज्यादा करने के कारण जो है लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लग गए उनके बीच। और एक दिन दिनेश भाई एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म में से उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस अपनी पत्नी को ही मार दूं। और उसने रात को जो है अपनी पत्नी को मार दिया भाई। उसके बाद जो है रात को मारने के बाद जो तुड़ी का जो कमरा होता है उसमें उसकी लाश को रख दिया। और उसमें रखने के बाद जब रात होती है, रात का अंधेरा होता है, तो उस लाश को रात को उठा करके अपने खेत में ले जाता है और वहां पर जो है उसको 4 फुट का खड़ा खोद करके दफना देता है और उसके साथ 130 किलो नमक जो वो लेकर आया था वो डाल देता है। और उसके बाद वो आसपास के लोगों में और समाज में क्या कह देता है कि मेरी पत्नी जो है अपने आशिक के साथ भाग गई है भाई। इस तरीके से जो है वो सभी को, आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं, उनसे बोल देता है कि मेरी पत्नी घर से पैसे ज्वेलरी सब कुछ लेकर के घर से भाग गई है। और दिनेश पुलिस में भी कंप्लेन कर देता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और केस की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ती है। पुलिस जो आईओ होता है उसको इस पर शक हो जाता है। पुलिस बार बार जो है दिनेश से पूछताछ करती है और बहुत ज्यादा प्रताड़ना करने के बाद जो है भाई दिनेश टूट जाता है और जो सारी सच्चाई है वो बता देता है। उस समय सामने निकल के आया कि जो है वो बाजरे का खेत जो था, जिस जगह पर उसने उस लाश को दफनाया था, वहां पर पुलिस जाती है और उसकी जो अस्थि पिंजर लास्ट में बचा था वो अपने परिवार, उस अंजू का उस परिवार को देता है और उसका अंतिम संस्कार होता है भाई। तो देखने वाली बात इस केस में क्या है कि एक शक के आधार पर कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया इस दिनेश ने। और ये एक दिनेश नहीं है, आए दिन समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आए दिन लोग शक के आधार पर किसी की जान ले लेते हैं, किसी को बहुत सारी घटना दुनिया में देखने को सामने आती हैं। तो शक के आधार पर आप भी अपने रिश्ते खराब न करें। ये पूरा मामला जो था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से निकल के सामने आया था, पिछले दिनों की ही बात है। उसके बाद दिनेश का जो है सच सामने आ ही जाता है और पुलिस को पता चल जाता है, उसको पुलिस फिर पकड़ के जो गिरफ्त में लेती है और उसके अनुसार एक्शन लेती है। तो भाई इसमें सीखने वाली बात यह है कि शक के आधार पर आप कुछ न करें। और आप हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे। क्या आप इस तरीके से हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको पसंद आती है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। आगे मिलेंगे कोई ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।